नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऑल्टर और ऑल्टर दोनों का डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। देखिए इसमें बोलने में दोनों की लैंग्वेज क्या होती है, एक जैसी होती है और इनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो भी क्या होता है, सेम होता है, लेकिन इनका जो सेंस है, मीनिंग है, वो क्या होता है, डिफरेंस होता है। एक ऑल्टर का मतलब होता है ए प्लेस ऑफ वर्शिप और दूसरे वाला ऑल्टर का मतलब क्या होता है, चेंज। चेंज का मतलब क्या होता है, बदलना। और ए प्लेस ऑफ वर्शिप का मतलब ऐसा स्थान जहाँ जो किसका होता है, पूजा का स्थान होता है या फिर जहाँ पे पूजा की सामग्रियां रखी जाती है उसको क्या बोलते हैं, ऑल्टर। उसमें क्या आएगा, इसमें ए आएगा और इसमें क्या आएगा, ई आएगा। और ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं, कंफ्यूज करते हैं, तो उन्हीं का इलाज करने के लिए इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए एक ऑल्टर में ए वाले ऑल्टर का मतलब क्या होता है, प्लेस ऑफ वर्शिप, और दूसरे वाले ई वाले ऑल्टर में क्या होता है, चेंज्ड, मतलब बदलना। दोनों का एक एक एग्जाम्पल हम समझते हैं जिससे क्या हो, कम समय में आपको थोड़ा ज्यादा नॉलेज समझने को मिले। और जो ये डिफरेंसेस के जो डिफरेंस वाले वर्ड्स है वो सारे इसके अंदर 1000 2000 जितने भी होने वाले हैं सभी हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। जो छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से आप आसानी से उठते बैठते खाते पीते भी इनको क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। जैसे एक एग्जाम्पल है ब्रेड एंड वाइन, ये क्या हो जाएगा, इसका सब्जेक्ट वर्ब बी फॉर्म के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑन प्रीपोजिशन, और इसका ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। देखो ब्रेड एंड वाइन, जो ब्रेड और वाइन थी वो कहाँ रखे हुए थे बताइए तो सही, किसके ऊपर रखी हुई थी, ऑन द एल्टर। देखिए ए वाला आया है, इसका मतलब ऐसा स्थान जहाँ क्या होती है, पूजा होती है, मतलब ऐसा स्थान जहाँ पे पूजा की सामग्रियां रखी जाती है उसके लिए। अगर इसमें आप यहाँ पे अगर ई, आप देखो आपको कंफ्यूज कैसे करेगा, यहाँ एक ही जगह क्या दे देगा, ई दे देगा, और यहाँ पे रखने का सेंस नहीं, फिर ये बदलने का सेंस दे देगा, जबकि रखने के साथ में बताओ बदलने का कोई सेंस होगा क्या, तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तुरंत रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ ए आएगा और इसका मतलब क्या होता है, ऐसा स्थान जहाँ पे पूजा की सामग्रियां रखी जाती है। फिर नेक्स्ट है दिस ड्रेस, अब ये ड्रेस क्या हो जाएगा, इसका सब्जेक्ट आवश्यकता रखती है किसकी, टू बी चेंज्ड, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म किस पे एक्शन करेगी, सब्जेक्ट। अब देखो ये ई है, इसका मतलब क्या होगा, बदलना, बोले तो चेंज, इसका मतलब दिस ड्रेस नीड्स टू बी चेंज्ड, एलजेड का मतलब क्या हो गया, इस ड्रेस को आवश्यकता है किसकी, बदलने की। अब बताओ इसकी जगह मैं चेंज रख सकता हूँ क्या, बिल्कुल रख सकता हूँ, क्योंकि एल्टर का मतलब ही क्या होता है, चेंज होता है। जैसा कि आज के स्टूडियो में हमने एल्टर ए वाला और एल्टर ई वाला दोनों का डिफरेंस अच्छे से समझा, एक वाले का मतलब था ए प्लेस ऑफ वर्शिप और दूसरे वाले का मतलब क्या था, चेंज, बदलना। ऐसे ही श्रृंखला में हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, धन्यवाद।